सुहानी कोट्स और जोक्स में आप सभी का स्वागत है। गुस्से पर अनमोल विचार, गुस्सा थॉट इन हिंदी। पढ़ने के बाद वादा है, आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध करने का मतलब होता है दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुँचाता है बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित हो रहा हो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। खोलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपा खोता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है। माचिस की तिली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है फिर दूसरों को। गुस्से का हमें तभी पता चलता है तब हम गुस्सा कर चुके होते हैं। जब आप हर बार क्रोधित होते हैं तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर घोलते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है और आंखें बंद कर लेता है। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचाता रहता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। ईर्ष्या और क्रोध से जीवन का नाश होता है। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। अगर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो आपका गुस्सा आप पर नियंत्रण रखेगा। जो कुछ भी क्रोध से शुरू होता है वह क्षण पर समाप्त होता है। क्रोध एक स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेजी से काम करती है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।